तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट। और मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट करते हैं यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। तो चलिए मैं आपको साथ ही साथ एंड्रॉइड स्टूडियो के दर्शन भी करा देता हूँ। ये रहा मेरा एक एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ सिंपल सा मैं एक ऐसे ही लेआउट बना के रखा हूँ। एक इमेज है और उसके नीचे एक बटन है। सो फ्रेंड्स, इसमें आज हम कुछ लेआउट बनाने तो नहीं सीखने वाले हैं, बस एक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि हम कभी भी अपने ऐप डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और उस ऐप को बना लेने के बाद हम उसे रन करना चाहते हैं, रन पे क्लिक करके रन ऐप करते तो हमें क्या एरर देखने को मिलती है। आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा कि एरर, इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड, द एप्लीकेशन कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। सो फ्रेंड्स, ये एरर बहुत सारे, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको रीजंस दिखा सकते हैं, पर यही मेन जो मुद्दा है आज का वो ये है कि योर ऐप कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। तो हम इसमें बहुत सारे लोग डायरेक्टली स्टैक ओवरफ्लो में जाते हैं, सर्च करते हैं तो वहाँ बहुत सारे हमें कमेंट्स या बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं देखने के। वो बोलते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड में चाहिए, बिल्ड ऑप्शन में वो क्लीन प्रोजेक्ट कीजिए, वापस रीबिल्ड प्रोजेक्ट कीजिए। मैंने ये सब करके देखा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने एम्युलेटर को, जैसे ये रहा मेरा एम्युलेटर, इस एम्युलेटर को रिस्टार्ट कीजिए, लेकिन इसको पिक करने से नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने बोला कि आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो ही को रिस्टार्ट कीजिए और यानी तो अपडेट कीजिए। ये सब करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक जो चीज़ मुझे मिली है वो मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो आप बोलेंगे जल्दी बताओ ना भाई, मेन टॉपिक पे लाओ। हाँ तो हाँ भाई, आपको सब तरह चारों तरफ से घुमा के लाना है ना, वरना आप बोलेंगे भाई इतना सारा सॉल्यूशन था आपने एक ही क्यों बताया, ये सब सॉल्यूशन काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन काम कर रहा है वो ये है। तो भाई आप ध्यान दीजिए कि आपका जो ऐप रन नहीं हो रहा है, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपके इस वर्चुअल डिवाइस पे, ये जो आपका मोबाइल वर्चुअल डिवाइस, आप जो भी बनाते हैं वर्चुअल डिवाइस, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको वर्चुअल डिवाइस को क्या करना है, जैसे हमारे फ़ोन में कभी भी दिक्कत होती है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट या रिबूट करना पड़ता है। सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है, हमें अपने इस वर्चुअल डिवाइस को रिबूट करना है। इसके लिए आपको जाना है अपने टूल्स ऑप्शन पे जाना है। देखिए मैं टूल्स ऑप्शन पे यहाँ पे गया और आपको यहाँ पे AVD मैनेजर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ AVD का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन वर्चुअल एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ओके, AVD का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। मैं AVD एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर के अंदर क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा एक यहाँ पे डिवाइस है पिक्सल 5 API 30। ये मेरा एक वर्चुअल डिवाइस मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं आप, ये वाला मैं जहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोल्ड बूट नाउ करना है। कोल्ड बूट नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है, क्योंकि मेरा ये एमुलेटर जो वर्चुअल डिवाइस है ये पहले से रन हो रहा था। आपको क्या करना है, इस वर्चुअल डिवाइस को अभी के लिए बंद कर देना है। तो ये सेफ स्टेट कर लेगा, आप देख सकते हैं ये मेरा बंद हो गया है अभी मैं इजिली। हाँ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपने उस वर्चुअल डिवाइस को एक बार क्लोज कर लीजिएगा, यहाँ पे अब आप कोल्ड बूट नाउ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे कोल्ड बूट नाउ किया, अभी मेरा जो फ़ोन है वो रीबूट होगा। तो थोड़ा दूर देख सकते हैं मेरा कोल्ड बूट होना शुरू हो गया। कोल्ड बूट का मतलब कुछ नहीं है, मतलब रीबूट हो रहा है, वापस से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, एक बार ये रीबूट हो जाता है तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है अब आप रन करते हैं तो बहुत ईजिली रन हो जाता है और सब कुछ आपके वर्चुअल डिवाइस में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का सॉल्यूशन और यही था इस वीडियो का टोटल खुलासा। तो एक बार इसे रिबूट होने देते हैं ताकि आपको ही पता चल जाए कि हाँ भाई ये काम कर रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसे देखिए, ताकि जो गूगल पिक्सल का ये फ़ोन है वो स्टार्ट हो रहा है, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है और कोई एरर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए। मैं उस एरर को अगर मैं जानता हूँगा तो तुरंत वीडियो बना दूंगा, या नहीं तो मैं उसे रिसर्च करने के बाद वीडियो ज़रूर से डाल दूंगा। तो ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन रिबूट हो चुका है। अभी मैं अपने इसको काट देता हूँ, रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, रन ऐप। यहाँ पे देखते हैं मेरा अब ऐप जो है, पहले जो एरर दिखा रहा था अभी वो रन होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये ऐप है रन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्च सक्सीडेड, यानी मेरा ये जो ऐप है मेरे वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान था, सिंपली टूल्स में जाना था, AVD मैनेजर में जाना था, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से कोल्ड बूट करना था। कोल्ड बूट करने से पहले आप जो प्रीवियसली वर्चुअल डिवाइस है इसको बंद जरूर कर लीजिएगा, वरना कोल्ड बूट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।